नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सिंह और मैं अभी मौजूद हूँ NCL की दुग्धजीवा परियोजना सेक्टर बी में, जहाँ की ये छठ घाट है जो कि आप देख रहे होंगे। ये छठ घाट का बोर्ड लगा हुआ है। छठ घाट जो अंदर जो है NCL द्वारा बनवाया गया है, उसी छठ घाट के अंदर जो है एक बच्ची जो है डूब करके अभी उसका जो है मौत हो गया है। उसी को लेकर के ये पुलिस प्रशासन की पूरी गाड़ियाँ यहाँ आई हुई हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं CSP की भी गाड़ी है, जैन चौकी और बिननगर थाने की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये TI बिननगर की गाड़ी है और हम अंदर चल रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ लगा हुआ है यहाँ। ये जो तालाब दिख रहा है, ये तालाब जो है छठ पूजा करने के लिए जो है इस तालाब का निर्माण जो है NCL के माध्यम से करवाया गया है, और इसमें जो है हर वर्ष जो है बड़े ही धूमधाम से जो है छठ पूजा किया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं कितना सुंदर तालाब बना हुआ है, उतनी गंदी जो है इस तालाब के अंदर का पानी है। जैसा कि बता दें आपको, छठ पूजा जब होता है तो इस तालाब का पानी निकाल करके नया तालाब में पानी जो है भरा जाता है, लेकिन उसके बाद जो है साल भर इसको जो है इसी तरह से लवारिस छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो है आज जो है एक बच्ची के डूब जाने के कारण जो है इसमें यहाँ एक मौत हो गई है। आइए हम आगे चल रहे हैं, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि बच्ची कौन है। बहुत छोटी बच्ची है, 4-5 साल का पता चल रहा है कि बच्ची है, और वो उसकी जो है इसमें डूबने से मौत हो गई है। जैसे कि जानकारी मिला कि बच्ची जो है शायद मिसिंग थी परसों से, कल या परसों से मिसिंग थी, और इसकी जानकारी जो है अभी लोगों के द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी गई, और उसके बाद जो है पुलिस जब यहाँ पहुँची है तो पहुँचने के बाद जो है इस तालाब में जो है बच्ची की लाश पाई गई है। अभी हम बात करेंगे यहाँ जो पुलिस प्रशासन पहुँची हुई है कि मिसिंग कब हुई थी, ये हत्या है या डूब के कारण जो है बच्ची की मौत हुई है, आखिर क्या है पूरा मामला। इस मामले पर हम प्रकाश डालेंगे, आगे चढ़ते हैं। पुलिस जो है अपना पंचनामा का जो है व्यवस्था कर रही है, जैसे कितना पानी था, जिसके हिसाब से देखने से लग रहा है कि पानी कोई काफ़ी जो है गहरा नहीं है, लेकिन 5 साल के लगभग बच्ची के डूबने के लिए तो काफ़ी पर्याप्त पानी है। पानी की गहराई जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 2 फीट 4 इंच बताया जा रहा है। अब क्या है पूरा मामला, आगे हम जो जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के लोग पहुँचे हैं उनसे हम बात करेंगे। ये शायद जो रो रहे हैं लोग, ये बच्ची के परिजन हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्ची की शव जो है यहाँ पड़ा हुआ है और कपड़े से ढक दिया गया है, और का हुआ के लेके आया है जातोनी, काय लेके आया जमा पे पेटी के मेहनत मजदूरी कर से कहता दुश्मनी पैदा करे तो बेटा वे ने जान लिए वा हुए जगह जगह दुश्मनी करे बना हुए दुश्मनी से जान गाना मत लई कभी नहीं आवत रहे कलोनी वाला। कब से गायब है? कल 10:30 बजे से। कल दिन में 10:30 बजे से? 10:30 बजे तो ढूंढे नहीं आप लोग? लड़का हम 10:30 बजे आई फांसे चटका नाला से। हाँ, तो सगरो खोजे लागल, तो फिर बंगला पर गई हमार ड्यूटी में, तो कल की माई गे से जानू, तो हम कहली की बाबू रे सुबेरे हम 9 बजे खिया हुआ ते खिया हुआ के हम आई लिया, तो फिर जाने वाला मोटकी नहीं खान दुकान वाला, तो कहते 10:30 बजे उनका दुकान पर गई रहे। अब हम सब को ड्यूटी, अब कोई घर है ये नहीं है, और लड़का लड़का खेल दुकान पर आई, दुकान पर लड़की गई बा। यहाँ अकेले आई थी, कोई और लड़का साथ है? अकेले का था इस बार, दुकान वाला कल साहब हम सब गई बन। तो कल 10 बजे से गायब थे आप लोग, ढूंढे नहीं फिर उसको? ढूंढ ले पूरा झोपड़ी पट्टी सब सब। तो बच्चे यहाँ नहाने तो पहले भी आते होंगे? नहीं कभी नहीं, पहले लेके जाते नहीं नहाने। अच्छा, यहाँ कभी नहीं आते हैं? वो कल ही आई है यहाँ। उनसे ना पूछना चाहिए कि कौन देखा कौन फोन किया, उनका तो खोजाइए नहीं हो रहा है, बताइए। उसने जब देखा मान लीजिए तो बता दिया, तो उसने कोई बहुत बड़ी गलती तो कर नहीं दी? नहीं है, लेकिन अभी तो वो देखे मान लीजिए किन्हीं कारण बस वो अगर यहाँ आ गया और उसको दिख गया, उसने पुलिस को सूचना कर दिया, तो उसकी क्या गलती है? गेट बना दे, गेट खुला छोड़ दे, तो NCL की कमी है ना, जिसने दुर्गा पंडाल में जिसने
पंडाल में गेट गिर गया टूटा हुआ छोड़ दिया, इसी बच्चे लोग गेट गिरे भतीजे मरने से बचा है, जाके उसमें 2 लाख लगा। अगर असुरक्षित व्यवस्था यहाँ है तो इसके जिम्मेदार तो एनसीएल है, जिसने सूचना दी, जिसने सूचना दिया वो तो है नहीं। खाली गेट लगा दिया, गेट लगाने से होता कि उस पर कुछ खरीदारी करना चाहिए, बताइए। वो तो है, उसको सुरक्षा की व्यवस्था उनको रखनी चाहिए। गेट भतीजा के ऊपर गिर गया, जाकर 2 लाख उसमें लगा तभी ठीक हुआ है। कोई इंसान वाला कोई 1 रुपया नहीं दिया, जाकर चंदा करके मैं दवाई सी करवा, बताइए। सर यहाँ तालाब में जो है एक बच्ची की जो है पानी में डूबने से डेथ हो गई थी, क्या है पूरा मामला सर? ये बच्ची है ज्ञानू उर्फ, इसका नाम बंसल समाज के है, करीब 4-5 वर्ष की आसपास की उम्र बता रहे परिवार के लोग। अपनी दादी के साथ में रहती थी, यहीं से करीब 50-100 मीटर के पास डिस्टेंस है जो कॉलोनी है, उत्कुस्तर उन लोगों का घर है। ये बच्ची कल करीब 10 बजे के आसपास से बच्चों के साथ खेलते खेलते इधर उधर हो गई, परिवार के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कल रात्रि में पुलिस को जानकारी में आया करीब 10 बजे के आसपास कि हमारी बच्ची नहीं मिल रही, तो पुलिस ने लगातार प्रयास किया, रात भर पुलिस ढूंढती रही, सुबह से फिर पुलिस ढूंढती रही। हमारी पुलिस अधीक्षिका मैडम ने लगातार टीम बना के कि बच्ची की उम्र छोटी है, बच्ची की तलाश करें। साथ में क्या है कि बारिश का सीजन चल रहा है, कहीं गड्ढे वड्ढे तो नहीं, कहीं और कोई नहीं, सारी जगह तलाश कर रही थी पुलिस। आज सुबह पुलिस इस कुंड के लिए तलाश करते करते आई थी, तो यहाँ कुछ बच्चे नहा भी रहे थे उस समय, तो बच्चे पुलिस को देख के तो इधर उधर हो गए। लेकिन पुलिस ने जब बच्चों से कुछ पूछताछ की तो बताया कि हाँ साहब, हम अक्सर आ जाते हैं नहाने के लिए यहाँ। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वालों को ही बच्चे यहाँ पर बॉडी उसकी जो था शव था उतराता हुआ दिखाई दिया, तो तस्दीक की गई, परिजनों को बुलाया गया, तो पहचान में आया कि वो जो बच्ची कल गायब हुई थी वो बच्ची यहाँ पर मिली है। अभी बच्ची के परिजनों को बच्ची को दिखा के उसकी जो आवश्यक कार्रवाई है शव पंचनामा की वो करा दी गई है। FSL की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम और हमारी जो पुलिस की टीम थी वो सबने उसका निरीक्षण कर लिया है। बच्ची का PM कराने के बाद और आगे की वैधानिक कार्रवाई साक्ष्य अनुसार की जाएगी। सर ये जो तालाब में जो बच्ची डूब के मरी हुई है, ये छठ पूजा के लिए तालाब का निर्माण कराया गया है, उसके बाद जो है 2 दिन के बाद इस तालाब का जो है कोई यूज नहीं रहता है। इस तरह से गेट खुला छोड़कर असुरक्षित तरीके से NCL द्वारा जो इस गेट को खोलकर इस तालाब को छोड़ दिया गया, जिसके कारण ये बच्ची की मौत हो गई, तो क्या इसमें NCL का प्रबंधन सर जिम्मेदार नहीं है? इस संबंध में भी अलग से हम जांच करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं पूरी तरह से बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ से, निश्चित रूप से NCL ने इसकी सुरक्षा व्यवस्था की है। 2 गेट हैं, एक गेट में ताला लगा हुआ है, दूसरे गेट में बता रहे हैं ताला लगा था तोड़ दिया गया है। क्या हुआ, क्या घटनाक्रम, इसके संबंध में NCL के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जाएगी, पत्राचार किया जाएगा, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सर यहाँ जैसे जानकारी मिलता है कि शाम को जो है नशेड़ियों का बड़ा काफी जमावड़ा यहाँ इकट्ठा होता है, और अगर इसे अब तालाब के ऊपर अगर निगरानी NCL कर दी जाए तो कम से कम इन सारी चीजें बंद हो जाएंगी, अगर नहीं की जा रही है तो इसका मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी, NCL के संबंध में पत्राचार करके पाबंद किया जाएगा कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ शिव कुमार एडिशनल SP साहब थे, मौजूद थे, और उन्होंने जैसा कि बताया कि घटना बच्ची की कैसे हुई है, एम्बुलेंस आ गई है और घटना पर पूरी विस्तृत जानकारी जो है एडिशनल SP साहब ने दिया है, और ये बच्ची की नानी है, और अभी ये जो एम्बुलेंस आ गई है शव को ले जाया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि शव को ले जाने के बाद इसका पंचनामा किया जाएगा, पंचनामे के बाद जो है कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई के बाद जो है बच्ची का शव जो है परिजनों को सबूत कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने उनसे चर्चा किया कि ये तालाब जो है NCL द्वारा बनवाया गया तालाब है, और इसमें 2-2 गेट लगाए गए हैं, एक गेट का ताला खुला हुआ है, बाकी दूसरे गेट में ताला बंद है, और ये तालाब के अंदर जो है गंदा पानी भरा हुआ है, और साल में जो है 2 दिन के लिए इस तालाब की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद जो है इसको असुरक्षित तरीके से छोड़ देना कहीं ना कहीं NCL प्रबंधन की लापरवाही जो है सामने देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि जांच के बाद जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो है आने वाले समय में इस तालाब में किसी तरह की इस तरह की कोई दूसरी घटना जो है की पुनरावृत्ति न होने पाए। नमस्कार, मैं था राजकुमार सिंह, और मैं अभी मौजूद था Sector B दुधीचुआ जयंत का जो है परियोजना का आवासीय परिसर है, उस आवासीय परिसर में Sector B का आवासीय परिसर है। हमारे साथ इरफान खान जी मौजूद हैं, जो भाजपा के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं शायद ही, और ये भी इस घटनास्थल पर मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है और किसकी लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो इसमें नहाने चले जाते हैं, माँ बाप को पता नहीं रहता है, और ये सरासर NCL की लापरवाही है।
अगर ये तालाब का पानी अगर निकाल दिया जाता और पानी को भराव कर दिया जाता, पानी निकल जाता, तो आज ये ऐसी घटना नहीं होती। जिससे अगर इसमें सीधे सीधे दोषी NCL को हम देंगे, क्योंकि अगर इसका रखरखाव किया जाता, यहाँ देखते पानी कि ये जो जितने भी ये लगे हैं ताला लगा दिया जाता, बच्चे अंदर ना पाते, इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर ये मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो NCL प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही ये मौत हुई है। और इस पे पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए NCL और पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए? पुलिस प्रशासन को इसमें रोक लगानी चाहिए, NCL को बताना चाहिए कि भाई इस तरीके से अगली ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए उस पानी को निकाला जाए और पानी जब जरूरत पड़े तब पानी इसमें छोड़ा जाए, अन्यथा फिर पानी उसको निकाल दिया जाए। चलिए, धन्यवाद।